कंप्यूटर का कोर्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में आपको एमएस वर्ड में कोई भी नंबर है उसे हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करना बताएंगे। तो एमएस वर्ड में जैसे कोई नंबर होता है तो उसे हमें टेक्स्ट में हमें टाइप करना, तो उसे टाइप करने में काफ़ी समय लग जाता है। तो आज हम इस वीडियो में एक ऐसे आपको ट्रिक या शॉर्टकट की या ट्रिक बताएंगे जिससे आपको कोई भी नंबर है उसे आप एक क्लिक पे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे जो मेन बार है उस पर व्यू पे जाना है, और व्यू पे जाने के बाद आपको यहाँ पे मैक्रो पे जाना है, और मैक्रो पे जाने के बाद यहाँ पे व्यू मैक्रो पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ मैक्रो नेम दे देना है, मैं एंटिटी दे देता हूँ। उसके बाद आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ क्रिएट के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक फाइल दे दूँगा, वहाँ से ये कोड कॉपी करना है। और यहाँ से कॉपी करके आपने सिंपली एंड सब्स है इसके ऊपर यहाँ पेस्ट कर देना है। यहाँ पेस्ट करने के बाद आपको इस मैक्रो फाइल को यहाँ से बंद कर देना है। अब जैसे मुझे कोई भी वैल्यू है इसे हमें नंबर से टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो इसे मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, और इसको सिलेक्ट करने के बाद मैक्रो में जाऊँगा और व्यू मैक्रो पे जाकर यहाँ पे रन पे ओके कर दूँगा, तो ये अपने आप ही नंबर से टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो चलिए इसे हम कुछ और आसान बना दें। इसे और आसान बनाने के लिए हम एक शॉर्टकट की बना लेते हैं। तो शॉर्टकट की बनाने के लिए आपको क्या करना है, जहाँ आपका जो लेफ्ट साइड में खोलने पे जो मेन मेन्यू है उसको जाके अपने वर्ड ऑप्शन पे जाना है। तो यहाँ पे जाने के बाद आपको जो कस्टमाइज का ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ठीक नीचे यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट्स का ऑप्शन है, वहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक करें। और यहाँ पे आपने जो लेफ्ट साइड पर जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें आपने मैक्रो पे जाना है। तो मैं एंटर प्रेस करके मैक्रो पे चला जाता हूँ। और यहाँ पे मैक्रो हमारा जो मेन है जो सिलेक्ट हुआ है, और यहाँ पे नीचे दे रखा है प्रेस न्यू शॉर्टकट की। तो यहाँ पे आपने जो भी शॉर्टकट की बनानी है वो प्रेस कर दें। यहाँ पे टाइप नहीं होगा, आपको वो शॉर्टकट की प्रेस करनी पड़ेगी। तो मैं आल्ट सी कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ठीक नीचे असाइन का ऑप्शन है, उस पर आपने क्लिक कर देना है। और उसके बाद इस फाइल को सिंपली क्लोज कर देना है। उसके बाद इस पूरे विंडो को क्लोज कर दें। अब जो हमने इसे शॉर्टकट की बनाई है वो आल्ट सी है। तो मैं किसी वैल्यू को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और आल्ट के साथ सी प्रेस करता हूँ। तो ये देखिए ये वैल्यू ये अपने आप नंबर से टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप एक क्लिक पे एक शॉर्टकट की से आप किसी भी टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए, तो मैं एक जो अपनी जो शॉर्टकट की बनाई है आल्ट सी से, इसको मैं नंबर से टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ उससे। तो ये देखिए ऐसे आप कर सकते हैं। और जो दूसरी जो आपकी जो ट्रिक्स है वो ये है कि उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी वैल्यू है उसे आप सिलेक्ट कर लें, और उसके बाद अपने कंट्रोल F9 प्रेस करना है, और स्टार्टिंग में आपने इक्वल टू लगाना है, और लास्ट में जाके आपको यहाँ पे बैक स्लैश लगा के स्टार लगा के यहाँ पे टाइप करना है कार्ड टेक्स्ट RGTEXT। और ये टाइप करके आपने यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके आपने यहाँ पे अपडेट फील्ड का ऑप्शन आएगा, उसके आपने ओके करना है। तो ऐसे भी आप एक ट्रिक ये भी, ऐसे भी आप इसको नंबर से टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये मेरे सारे जो वर्ड है वो लोअर केस में आ रहे हैं, तो मैं ये फर्स्ट जो है वो जो वर्ड है उसको मैंने अपर केस में करना है। उसको करने के लिए आपको क्या आप वही करें, किसी वैल्यू को सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल F9 प्रेस करें, स्टार्टिंग में इक्वल टू लगाएं, फिर लास्ट में जाके आपने बैक स्लैश लगा के स्टार लगा के यहाँ पे टाइप करना है कार्ड टेक्स्ट, और उसके बाद फिर से आपने बैक स्लैश लगाना है और स्टार लगाना है। उसके बाद यहाँ पे टाइप करना है कैप्स, और उसके बाद आपने यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करना है और ये अपडेट फील्ड पे ओके करना है। ये देखिए ये मेरा फर्स्ट वर्ड जो है परचेस में आ गया है। तो ये दो ट्रिक्स थी जिससे आप अपने जो नंबर हैं वो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो ये मैक्रो के जरिए आप इसको नंबर से कन्वर्ट टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और दूसरा ये आपने जो मैंने कार्ड टेक्स्ट का जो आपको फार्मूला बताया उससे आप किसी भी नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भविष्य में हम जो भी वीडियो लाएं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।